हाय गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज आ चुके हैं हैदराबाद में। अभी समय मैं एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में खड़ा हूँ, इसके बाद डायरेक्टली जा रहा हूँ मैं होटल पे अपने। चलते वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, आप लोग को भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है हैदराबाद का। फिलहाल तो आ चुका हूँ मैं अपने रूम में। अगर होटल की बात करते हो, होटल काफी ज्यादा बड़ा है और काफी सुंदर है। इसको कवर करने के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफी कुछ है यहाँ देखने को, जैसे कि रूम का टूर हो गया, होटल का टूर हो गया, होटल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, साथ में ब्रेकफास्ट बुफे है जो इनका, वो भी काफी अच्छा है। तो ये सब कवर करने के लिए एक अलग से वीडियो बनने वाली है। फिलहाल अभी कॉफी बना के निकलते हैं हैदराबाद के वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट चटनी पे। तो गाइस अभी आ चुके हैं यहाँ पे एक फेमस रेस्टोरेंट पे जिसका नाम है चटनी। तो चलिए चलते हैं अभी ऊपर, ये ऊपर ही है तो मैं फटाफट जल्दी से चल लेता हूँ वहाँ और आपको दिखाता हूँ वहाँ का फूड कैसा है। एक्चुअली बहुत यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है, उसके काफ़ी ब्रांचेस हैं और मैं इस समय आया हूँ जुबली हिल्स के एक ब्रांच में। तो चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं यहाँ पे कैसा रहता है। सो गाइस, आ चुका हूँ चटनी रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो काफी अच्छी है और काफी बड़ा रेस्टोरेंट है। चटनी रेस्टोरेंट बेसिकली एक मल्टी चेन रेस्टोरेंट है जो कि पूरा हैदराबाद में फैला हुआ है। इनके नाम से आप बता सकते हैं कि ये किस लिए फेमस है। मेन्यू की बात करें तो काफी ज्यादा वैरायटीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे कि नॉर्थ इंडियन फूड से लेके जैन स्पेशलिटीज और साउथ इंडियन फूड्स। डोसा अगर यहाँ पे आप देखें तो काफी ज्यादा आपको वैरायटीज दिख जाएंगी, ऊपर से लेके नीचे तक केवल डोसा आपको दिखेंगे लेफ्ट साइड में। और यहाँ की स्पेशलिटीज जैसे कि गुड नूडल इडली आपको देखने को मिलेगी और साथ ही में आपको चाइनीज स्टार्टर्स भी यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए ऑर्डर कर लेते हैं यहाँ की कुछ डिशेस। सो आ चुकी हैं चटनीज यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं रेड वाली जो है वो सॉस है, जो लेफ्ट में है वो हमारी है गार्लिक चटनी। देन यहाँ पे तीन चटनीज और हैं, जैसे कि देख सकते हैं व्हाइट वाली जो है वो है नारियल की चटनी, एंड देन ब्राउन वाली जो है वो आपकी है पीनट चटनी, एंड येलो वाली जो देख सकते हैं वो है हमारी चना दाल चटनी। सो गाइस यहाँ आ चुका है गुंटूर इडली और साथ में ये रहा रसम। गुंटूर इडली के ऊपर बेसिकली गन पाउडर डलता है और साथ में ही डलता है घी। तो चलिए ट्राई करते हैं ये इडली, साथ में ले लेते हैं चटनीज। ये रही चना दाल चटनी और ये रही पीनट चटनी और साथ में ले लेते हैं नारियल की चटनी। ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये ले ली मैंने इडली, साथ में ट्राई करते हैं इसकी ये चटनी। जो ऊपर मसाले पड़े हैं वो काफ़ी स्पाइसी, थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर है और चटनी है वो माइल्ड फ्लेवर है। अगर ढंग से बोलो तो ये मेरी चाय ऊपर जो पड़ा हुआ है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा भी नहीं ज़्यादा तीखा हो बट टेस्ट अच्छा है। गाइस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मुँह में जाके मेल्ट हो रही है। चलिए एक और चटनी ट्राई करते हैं, साथ चटनी में चटनी ट्राई करते हैं। बाहर से लगा था कि बिल्कुल छोटा सा रेस्टोरेंट होगा यार, बहुत इतना छोटा सा रेस्टोरेंट लग रहा था, यहाँ पे आए इतना बड़ा और इतना अच्छा रेस्टोरेंट है काफ़ी। लेट्स ट्राई दिस वन, फर्स्ट लेट्स ट्राई चटनी ओनली, ये ट्राई करता हूँ। स्वीट है हल्की सी, ये तो लग रहा है नारियल की गरी है, उसमें खूब सारी चीनी डली है और दूध है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और दिस वन इज जिंजर वन, थोड़ा सा ये भी ट्राई करते हैं। सेम जिंजर, काफ़ी अच्छी चटनी का टेस्ट है। सो गाइस 200 इडली खाने के बाद मैंने मंगा ली है ये फिल्टर कॉफ़ी। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसी है कॉफ़ी। एक ट्रेडिशनल कॉफ़ी की तरह जो आना चाहिए फिल्टर कॉफ़ी का टेस्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मैं बात चुका चटनी रेस्टोरेंट के बाहर। इस समय फूड आइटम जो मैंने ट्राई किए थे मैं आपको ऊपर ऊपर बताया था कि फूड आइटम जो मैंने ट्राई किया था, डोसा ट्राई किया था और इडली ट्राई किया था जो इनकी फेमस यहाँ की इडली है, साथ में कॉफ़ी ट्राई किया था। तीनों आइटम सुपर थे, ऐसा नहीं था किसी चीज़ में कमी हो, बट कॉफ़ी में आप बोल रहे थे कि इतनी भी ज़्यादा सुपर नहीं थी, एवरेज कॉफ़ी थी, अच्छी कॉफ़ी थी, नॉट बैड। बाकी इडली इनकी मस्त ट्राई है और डोसा भी आप ट्राई करते थे, डोसा भी काफ़ी अच्छा था। तो चलिए इस समय मैं जा रहा हूँ आसपास के थोड़ा बहुत लोकल एरिया देखने, अगर कुछ अच्छी चीज़ मिलती तो मैं ज़रूर इस पर शेयर करूँगा, बाकी वरना मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट होटल में। बहुत धूप लगी थी तो मैं आ चुका हूँ बिरयानी वाला, प्राइड ऑफ हैदराबाद।
चलिए ट्राई करते हैं यहाँ की वेज बिरयानी, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। सो आ चुकी है गर्मा गर्म यहाँ पे वेज बिरयानी। बिरयानी के साथ आया हुआ है सैलन और साथ में रायता। ये रही गर्मा गर्म बिरयानी, इसमें देख सकते हैं पनीर के पीसेस पड़े हुए हैं, गोभी के पीसेस पड़े हुए हैं। सो गाइस जो टेस्ट था बिरयानी का वो काफ़ी अच्छा था, बट काफ़ी ज़्यादा तीखा था। मेरे तो उस समय खाते खाते आंखों से पानी आने लगा था। फिलहाल अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो काफ़ी अच्छी लगेगी बिरयानी आपको यहाँ हैदराबाद की। सो गाइस ट्राई कर ली बिरयानी, एक प्लेट बिरयानी थी, इतनी स्पाइसी आप खाया, आप सर तो पैक करवा के लाया हूँ, होटल में देखूँगा खा लूँगा। और ये रहा होटल जहाँ पे समय मैं रुका हुआ हूँ, होटल की वीडियो भी जल्दी आने वाली है, सो बने रहिए हमारे साथ। ओके सो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ होटल से, इस समय मैं जाने वाला हूँ हुसैन सागर लेक, और प्लान किया है हुसैन सागर लेक का और चार मीनार का, अगर हो सका टाइम मिला तो आई के अभी देख के चलेंगे। अभी निकल चुका मैं हुसैन सागर लेक के लिए। ये ब्रिज जो है वो भी काफ़ी फेमस है, ये रही लेक काफ़ी बड़ी और वो रही बुद्ध जी की मूर्ति। और आ चुका अब लुम्नी पार्क पर। सो गाइस इस समय मैं आ चुका हूँ लुम्नी पार्क, बेसिकली ये लुम्नी पार्क है और साथ में उसके बगल में हुसैन पार्क लेक भी है। जितने भी घूमने जगह है सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लाइक इधर मैं घूम लूँगा हुसैन लेक और अगर इधर जाता तो मेरे को बिरला मंदिर मिल जाएगा, तो फटाफट चलते हैं अंदर। पार्क में एंट्री करते ही आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, साथ में बच्चों के लिए राइड्स मिल जाएंगी यहाँ पे और कुछ बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज भी लगी हुई है। और वो रहा उधर वाटरफॉल, वहाँ जाके फोटो क्लिक करवा सकते हैं। और यहीं से अंदर जाएंगे तो हमें मिल जाएगा बोटिंग एरिया, जहाँ से आप लोग बोट पकड़ के जा सकते हैं बुद्ध स्टैचू पर। सो हम आ चुके हैं यहाँ बोटिंग एरिया पर, और सामने लगा हुआ है बोर्ड जिसपे सारे प्राइसेस लिखे हुए हैं, जैसे कि मैकेनाइज्ड बोट, मैकेनाइज्ड बोट है वही आपको जाके छोड़ती है बुद्ध स्टैचू पे। सो आपको अगर बुद्ध स्टैचू पे रुकना है जो कि लेक के बीचों बीच है, तो आप ये वाली बोट पकड़ सकते हैं, ये स्लो बोट है। बाकी स्पीड बोट है वो 350 है, उसमें चार लोग बैठ सकते हैं, बट वो आपको सिर्फ सैर करा के ले आएगी। और अगर बुद्ध स्टैचू पे जाना है तो मैकेनाइज्ड बोट पकड़ना होता है। सो अभी मैं आ चुका हूँ बोट पर, ये बेसिकली एक स्लो बोट रहती है जो कि आपको धीरे 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 ले जाएगी बिल्कुल हुसैन सागर लेक के बीच में, जहाँ पे बुद्ध जी का स्टैचू है। और अब मैं आ चुका हूँ बुद्ध स्टैचू पे, यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग भी आ सकते हो, सुबह आ सकते हो, अगर पिकनिक बनाने का मूड है तो आप सुबह आओ यहाँ पे, आराम से रहो, शाम को निकल लो। चलिए दूर से दिखाता हूँ आपको बुद्ध स्टैचू। फिलहाल ये रहा नज़ारा यहाँ का, देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी ये लेक है इधर से लेके उधर तक। यहाँ पे अगर आप शाम को आएंगे तो लाइटिंग सिस्टम यहाँ का होता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अगर इधर से दिखाओ तो ये रहा बिरला मंदिर और वो रहा इंडियन फ्लैग, सामने फ्लैग लगा है, वो एक बेसिकली पार्क है, वहाँ भी आप लोग घूम सकते हो। ओके सो गाइस अभी मैं घूम के आ चुका हूँ हुसैन सागर लेक, जैसे कि आपको दिखा दिया वहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाने लायक था भी नहीं, पर काफ़ी भूख लग गई इस समय, तो अभी चल रहे हैं अमोगम एक्सप्रेस टिफिन कैफे। ये हुसैन सागर लेक की जहाँ पे आप लोग एंट्री करेंगे उसी के जस्ट बगल में और काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस हैं, तो चलिए ट्राई करते हैं इनका रेस्टोरेंट और देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने उठने का मिला है नहीं। सो गाइस रेस्टोरेंट के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे हमको दो मेन्यू मिल रहे हैं, लाइक आला कार्ट भी इनका मेन्यू और साथ में इनके पास बुफे भी है। बुफे भी इनका काफ़ी अच्छा कुछ है, 700 का बुफे है आपका, उसमें आपको वेलकम ड्रिंक, वेज सूप, नॉनवेज सूप, वेज सैलड, नॉनवेज सैलड, नॉनवेज के लिए भी, वेज के लिए भी, दोनों आई थिंक हाँ दोनों सेम है, एक चाइनीज वेज स्टार्टर और वेज ये रहेगा। अभी निकलना है मेरे को, अभी यहाँ से बिरला मंदिर भी निकलना है, उसके बाद दो तीन जगह और भी जाना है, तो इससे अच्छा है कि अभी खाना खा के बाद में। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ बिरला टेम्पल पे, वो बहुत बता दूँ काफ़ी ऊपर है, अच्छा ऑटो ले ली बट काफ़ी ऊपर है, अभी भी ऑटो वाले ने जहाँ से छोड़ा है मेरे को वहाँ से भी काफ़ी ऊपर है वो मंदिर पड़ेगा, आप लोग छोड़ सकते हैं अपने चप्पल उप्पल ऐसे और चल सकते हैं। वीडियोज एंड फोटोज आर नॉट अलाउड इन साइड, सो मेरे को यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ से मंदिर की एंट्री मिल जाएगी एंड इधर कुछ शॉप वॉप भी हैं। ओके सो गाइस मंदिर का टूर हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली फ़ोन यहाँ पे अलाउड नहीं है, बट ऊपर का नज़ारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा तो फिलहाल वो ऊपर जाके मंदिर है, इधर ऊपर जाना पड़ेगा काफ़ी देन मंदिर आ जाएगा। सो बस आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप हैदराबाद आ रहे हैं तो बिरला मंदिर जरूर घूमिएगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, वो काफ़ी अच्छा नज़ारा रहेगा ऊपर से, अंदर का मंदिर जैसे जहाँ पे जितने कलाकारी की वो इतना अच्छा है, मंदिर तो काफ़ी अच्छा है यही, और साथ में नज़ारा पूरे शहर का इतना खूबसूरत लगता है कि बता नहीं सकता। देखता हूँ जितना भी नज़ारा यहाँ से मेरे को देख सकता है मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर क्योंकि जा नहीं सकते हम, सब आपके कैमराज और सब आपके मोबाइल बैग सब सबमिट हो जाएंगे वहाँ पे, फ्री आप ऊपर जा सकते हैं, वरना नहीं जा पाएंगे। और ये रहे हम यहाँ पे फिलहाल, इसके बाद मेरा आईकिया जाने का प्लान था, जो कि आईकिया यहाँ पे हैदराबाद में बहुत बड़ा है, उसको घूमने में काफ़ी समय लग जाएगा और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं, तो चलते हैं फटाफट वहाँ भी, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है।
आइकिया का रेस्टोरेंट जो है काफी बड़ा और काफी अच्छा है। सबसे पहले चलते हैं आइकिया के रेस्टोरेंट पर। सो यहाँ पे बेसिकली आपको लाइन में लगना पड़ेगा और यहाँ पे कार्ड रहेगी, आप यहाँ पे आपको एक कार्ड ले लेनी है और साथ में ही प्लेट इस पे रह सकते हैं। बिल्कुल बुफे वाला सिस्टम है, लाइन से लगे रहिए और जो जो आता रहता है साथ में लेते रहिए। किचन की बात करें तो किचन काफी ज्यादा क्लीन है और काफी बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारी डिशेस हैं। इनकी जो डिशेस हैं और जो यहाँ पे क्लीननेस है वो काफी अच्छी है। फिलहाल के लिए मैंने ले लिया है ब्राउनी और साथ में ले लिया है वेज बिरयानी। और यहाँ पे कॉफी का सिस्टम काफी अच्छा है, सिर्फ आपको ये कप उठा लेना है, यहाँ से बिलिंग कराते समय आपको सिर्फ कप का बिलिंग करवा लेनी है और उसके बाद जितना मन आपका कॉफी पी सकते हैं। वेंडिंग मशीन पूरे रेस्टोरेंट में लगी हुई है, आराम से जाइए कॉफी लेके आइए पीजिए। काफी ज्यादा यहाँ शोर हो रहा है, पूरा बैंड बाजा बज रहा है, देख लेते हैं एक बार। चलते हैं खाने के लिए अपना फूड। गाइस बहुत सारी आवाज़ आ रही है इधर भांगड़े की, उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ मैंने ऑर्डर कर लिया एक बिरयानी प्लेट है, क्वांटिटी तो बहुत कम है बट मेनली काफ़ी है। और ये रात है, ये कॉम्प्लीमेंट्री का और साथ में ब्राउनी। और सबसे अच्छी बात है एक बार आप कप ले लीजिए 60 rupees का मिलेगा, इसके बाद आप जितना बार आपको कप लेनी, जितनी बार कोल्ड कप लेनी, कुछ भी लेना है बार बार आप रिफिल कर सकते हो बार बार, बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताना चाहूँगा आइकिया की, यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं जिनको फूड ट्राई करना होता है, वो केवल उसी के लिए आइकिया आते हैं। सो जो टेस्ट था बिरयानी का वो काफ़ी अच्छा था और साथ में ब्राउनी भी काफ़ी अच्छी थी। और ये ले लिए मैंने कॉफ़ी, बेसिकली यहाँ पे वेंडिंग मशीन लगी हर तरफ, वहाँ पे आप जाके आराम से कॉफ़ी ले सकते हैं। कोल्ड बेवरेजेस इस समय अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए मैं वो ट्राई नहीं कर सका। कॉफ़ी मशीन में भी ऑप्शंस मिल गए थे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का या फिर लाइट कॉफ़ी का, तो उस हिसाब से आप कॉफ़ी भी कस्टमाइज़ करा सकते हैं। और खाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली आना होता है रिटर्न योर ट्रे पर, यहाँ पे सामने लिखा रहेगा और आपको यहाँ सिंपली आपको अपनी ट्रे जो है इस मूविंग प्लेटफॉर्म पर रख देनी है एंड दैट्स इट। खाने के बाद मैं निकल चुका है आइकिया का स्टोर देखने। यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने को, आपको एक एक डेडिकेटेड एरिया मिलेगा पर शोरूम पे। लाइक सबसे पहले छोटे बच्चों का कंपार्टमेंट मिलेगा, उसके बाद बड़े बच्चों का मिलेगा, देन किचन मिलेगा, देन कपड़े का शोरूम मिलेगा। इस तरह करके बहुत बड़ा आइकिया स्टोर है, काफ़ी ज़्यादा घूमने को है बट यहाँ पे मैं कवर नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। सो फिलहाल मैंने थोड़ा बहुत कवर किया, बाकी फुल एक्सपीरियंस के लिए आपको यहाँ पे खुद आना पड़ेगा। ओके सो गाइज, अभी मैंने आइकिया पूरा घूम लिया है। फिलहाल तो ऊपर 1 to 11 है और नीचे 12 to 23 शोरूम्स, मतलब कि बेसिकली 11 कंपार्टमेंट्स होंगे अलग अलग शॉप के। लाइक जो ऊपर थे वो बेबी का था, फिर लाइक किचन था, फिर लाइक लिविंग रूम एरिया था, तो इस तरह के सेक्शंस हैं जो कि 11 है, जो कि काफ़ी बड़ा है। अगर आप एक तरफ से एंट्री ले लिए तो एग्जिट दूसरी तरफ से, बट ये एंट्री और एग्जिट बहुत लंबी थी, बहुत ज़्यादा लंबी। तो बेसिकली आपको पूरा घुमा के रहेंगे, अगर आप घूमने आए हैं तो आपको पूरा घुमाएंगे, आपको लेनी है चीज़ें बट लेगा सब कुछ जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट डे मैं आ चुका हूँ चार मीनार पर। जैसा कि देख सकते हैं आज संडे के दिन है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। चार मीनार का एरिया काफ़ी फेमस है अपने लोकल शॉप्स को लेकर, जैसे कि ज्वेलरी और पर्ल शॉप। सो आधे से ज़्यादा जो भीड़ आपको दिखेगी यहाँ पे शॉपिंग के लिए आती है। सो गाइस ये रहा चार मीनार, काफ़ी भीड़ है बट अगर आपको चार मीनार के ऊपर जाना है तो आप यहाँ से टिकट लेके ऊपर भी आ सकते हैं। और यहीं पर आपको पैराडाइज रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी फेमस है अपने बिरयानी के लिए। फिलहाल काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई यहाँ पे। और चार मीनार आए और आपने निमरा की चाय नहीं पी तो क्या चार मीनार आए। तो ये रहा चार मीनार और ये रहा निमरा कैफे, बिल्कुल सामने सामने पड़ जाएगा। निमरा बेकरी अपने चाय के लिए और बिस्किट्स के लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ पे काफ़ी वैरायटी मिलेगी आपको बिस्किट्स की। इनकी एक बिस्किट प्लेट भी आती है जिसमें उनके आपको फेमस बिस्किट्स मिलेंगे। चलिए ऑर्डर करते चाय और साथ में बिस्किट प्लेट। निमरा कैफे की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिस्किट की वैरायटीज मिलेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हर तरफ आपको अलग तरीके के बिस्किट्स मिलेंगे। कोई चॉकलेट होगा, कोई इलायची फ्लेवर होगा, कोई पिस्ता फ्लेवर होगा, तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज मिलती बिस्किट्स की। देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं मेरे पास बिस्किट प्लेट जिसमें 8-9 तरह के बिस्किट रखे हुए हैं और साथ में ये ईरानी चाय। चलिए ट्राई करते हैं हैदराबाद का फेमस बिस्किट उस्मानिया बिस्किट। ये रहा उस्मानिया बिस्किट, ये काफ़ी बटरी और काफ़ी सॉल्टी होता है। चाय और बिस्किट का टेस्ट जो था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सो चार मीनार पे आप आकर पैराडाइज की बिरयानी एंजॉय कर सकते हैं, निमरा की चाय पी सकते हैं और चार मीनार से आप हैदराबाद का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। सो यहीं पे ख़त्म होता है सफ़र हैदराबाद का। इस समय मैं आ चुका हूँ हैदराबाद की एयरपोर्ट पर।
सो गाइस इस समय मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पे और ये लास्ट दिन था मेरा हैदराबाद में। सो काफ़ी इन्जॉय किया हैदराबाद में और सच बताऊँ तो यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं और सबसे अच्छी बात है कि हिंदी अच्छे से आती है सबको, लाइक नॉर्मल भी आपको लगेगी सब हिंदी बोल रहे हैं। सो गाइस इस समय मैं आ चुका हूँ प्लाज्मा प्रीमियम लॉन्ज पर जो कि एयरपोर्ट पे लॉन्ज है गेट नंबर 28 के पास और काफ़ी अच्छा लॉन्ज है। द नाइस थिंग अबाउट इज कि आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हो आराम से और क्रेडिट डेबिट कार्ड वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड दोनों पे एप्लीकेबल है, ऐसे नहीं कि क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है आपके पास, आप लोग डेबिट कार्ड से भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी ऑफर रहते हैं अगर वो वीज़ा रहा या फिर मास्टर कार्ड रहा उस पर डिपेंड करता है, ना कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड है। तो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा अलाउड नहीं है तो मैं केवल अपनी शूट कर रहा हूँ, बाकी जो आइटम्स है वो पूरा बूफे की तरह अवेलेबल है, एक लाइन से पाव भाजी है। अभी ये जो आइटम होगा मैं आपको बता दूंगा, अगर प्लेट ला दिखा भी दूंगा, बट वहाँ पे शूट अलाउड नहीं है तो मैं शूट नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने ले लिया है पुलाव, साथ में मैक्रोनी और पनीर की सब्जी और साथ में मसाला चना भी लिया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे चाय और पॉपकॉर्न भी मिल रहा था और यहीं पे मेरा सफ़र होता है ख़त्म हैदराबाद का। होटल का भी वीडियो जल्दी आने वाला है, सो बने रहिए चैनल के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग।